ओके, अब आपको विस्तार से बताते हैं कि सीन क्या है. एक सेकेंड. हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल एवरीबॉडी. दिस इज हिमानी. ये है डे 3 ऑफ आवर एक्सपेडिशन. आई एम ट्रैवलिंग विद ग्रे गोस्ट एंड स्नो स्पिन. और इस एक्सपेडिशन का हमारा ये तीसरा दिन है. हमने स्टार्ट किया था शिमला से, उसके बाद हम रुके एक दिन कल्पा में, एंड कल हमारे रात को शाम को हम पहुंच गए थे ताबो. और जर्नी वॉज क्वाइट अमेजिंग बिकॉज देर आर नो टूरिस्ट एज सच. सो या आज का जो एजेंडा है वो ये है कि हम यहाँ से निकलने वाले, अभी हम हो गए रेडी एंड हम यहाँ पर रुके थे. दिस इज़ द होम स्टे वाइट लोटस. तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कोजी स्टे था हमारा. और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि इफ़ एनी टाइम यू आर कमिंग हियर इन ताबो, सो आप ये वाली प्रॉपर्टी चेकआउट करो. इट्स अमेजिंग. इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड थिंग और आई एनी थिंग, बट या आई मस्ट रिकमेंड यू गाइज टू स्टे हियर. दे हैव एवरीथिंग लाइक अमेनिटीज एंड सब कुछ परफेक्ट. खाना भी बहुत अच्छा. अभी हमने नाश्ता किया है और अब फटाफट से हम सारे पैक होके रेडी वेडी हो गए हैं. एज यू कैन सी अभी निकलने वाले हम काजा के लिए. सो यहाँ से काजा की जो जर्नी है वो आई थिंक 60 किलोमीटर्स है और 2 घंटे में मोस्ट प्रोबेबली हम पहुँच जाएंगे. सो आपको लेकर चलते हैं. ओह माय गॉड. So we are here in Tabo Monastery. This is the new one. क्या नाम है आपका? The Himalayan Musician in Spiti and Vara. ओके, एंड ये इनका होम स्टे है, नाम से होम स्टे. थैंक यू भैया, बाय. हम काजा जा रहे हैं. हाँ, मैं यहीं बैठ के जाऊंगी. All set for day 3 everybody. Let's go. It's 11 in the morning. 7 बजे से उठे हुए हैं निकलने में एज यूजुअल बिकॉज इट्स एक्सपेडिशन. कुछ गाड़ियाँ शुरू नहीं हो रही थी, कुछ गाड़ियाँ थोड़ा टाइम ले रही थी, फिर किसी में अब समझ सकते हो इतने एक्सट्रीम वेदर में जब एक्सपेडिशन में होते हैं तो सारी गाड़ियाँ साथ में चलती, कॉन्वॉय पूरा साथ में चलता है. दैट्स वाई हम लेट हो जाते हैं, बट ऑल सेट. गर्म पानी ले लिया इसमें पीने के लिए बिकॉज हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है. सो या गुड मॉर्निंग. हेलो. हाय. हेलो. हाय. अच्छा केम छो. लेट्स गो. भाई क्या सिचुएशन है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा हमारा भाई? कितनी देर में? 82 विद इन 5 मिनट्स वी आर रेडी टू गो. जस्ट स्टीयरिंग. God is freaking so beautiful. All together, it's a amazing feeling that we have arrived, like reached here. Yeah, and this is our convoy. Yes. तो हम अभी यहाँ से जाने वाले हैं. हम यहाँ रुक नहीं रहे हैं काजा में, थोड़ी देर आएंगे, वापस आएंगे obviously. But we are going to heading to Langza. और वैसे स्पिति जो देखा था that is something else, and this winter Spiti is something else. By the way, एक चीज़ आपको और दिखाती हूँ. You can see. ये है पूरा स्नो कवर्ड एंड मेरे पीछे देखोगे ड्राइव ये पहाड़. सो या दिस इज व्हाट, बट आई एम टोटली लविंग इट डूड. लुक एट इट. लेट्स गो टू लांजा.
Statue in Langsa. Yes. And then we'll head towards Comic. On the way, we'll have some Maggie or chai. Okay, so you're prepping Maggie for us. लांगजा से हम वापस आ गए हैं, वहाँ पर ज्यादा देर रुके नहीं थे तो यस काजा से पहले करवा के आए या बाद में फिर जाएंगे रिफिल करवाने? से पहले करा लेना, इस पे वापस आना पड़ेगा काजा। हेलो हिमानी। हेलो हेलो हिमानी 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 पीछे कोई गाड़ी आया हमारे? आई डोंट थिंक सो। है यार, अब ठंड नहीं लग रही वैसे। हाँ सच में ठंड नहीं, मुझे तो लगा मैं इतना कुछ पहन लिया है ना मैंने, कहाँ ही ठंड लगनी है। ओह माय गॉड, ये कहाँ आ गए हम। सो गाइस मीट सितांशु। हाय हाय गाइस। ओके सो मैंने आप लोगों को इससे पहले फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, बट आई हैव बीन ट्रैवलिंग विद हिम ओनली सिंस लाइक शिमला से ना। हाँ हम साथ ही चल रहे हैं और मैंने गाड़ी चेंज नहीं की है, सो यस गुड कंपनी। एंड तुम क्या कहना चाहोगे मेरी कंपनी के बारे में? हाँ सेफ कंपनी या सो आप क्या कहना चाहेंगे हमारी कंपनी के बारे में? हिमानी इज अ गुड सिंगर। सिंगर मैंने नहीं गा के सुनाया अभी तक गाइस, अब सुनाऊंगी। अब सुनाना पड़ेगा। अच्छी कंपनी है हिमानी की, बोर नहीं होने देती है, चुप भी नहीं होती है। सो या दैट्स ठीक रहता है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं? हाँ ये कॉम्प्लीमेंट है। और म्यूजिक सिस्टम की दोस्तों हमें जरूरत नहीं है। हमने बिल्कुल गाने नहीं चलाए। हिमानी इज अ फुल एंड कंप्लीट पैकेज। सो दैट्स व्हाई मैं कह रही थी आप लोगों को कि इफ यू वांट टू ट्रैवल विद मी आप लोग आ सकते थे, बट सो या विल कैच यू इन काजा डायरेक्टली गाइस। जब भी किसी हाई अल्टीट्यूड पे आप जाओ तो ऑलवेज कीप रिमेम्बर कि पानी पीते रहो। यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप पानी कम पियोगे तो डिहाइड्रेशन होगा, सिकनेस और AMS, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकती है, तो दैट्स व्हाई पानी ज़रूर पीना चाहिए। या अभी काजा में, हम काजा पहुँच गए हैं, लंच करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर लंच एंड उसके बाद
मैगी वाले भैया खुद ही चाय पी रहे हैं। हम चाय वाले हैं। अच्छा हम चाय वाले, और पहले खुद ही यहाँ का हलवाई खुद खा लेता है अपने। अच्छा चाय चाय चाय। ये मैगी बन चुकी है, किसने बनाई है? हिमाल ने। यार सुनो क्या कर रहे थे भाई, मैगी खा रहे थे हम, प्लेट पे ना चलो अपनी अपनी प्लेट लाओ सारे। सो हमारे आज का लंच स्पॉट है एक्चुअली स्नैक स्पॉट दिस इन गाजा बाय द रिवर। एंड सबसे अच्छी बात, वी हैव दिस हीलिंग हिमालयस थिंग विद अस, लाइक ये हम बैक ये लेके चल रहे हैं एंड इसमें हम सारा अपना गार्बेज जितना भी हम यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएंगे। स्पॉन्सर्ड बाय हीलिंग हिमालयस। यस सो we are responsible traveler you guys, responsible tourism always. yes guys maggi kaisi hai? chai 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 humne pi li and hum maggi kha rahe hai. is manisha hi how's maggi, like kaisi lag rahi hai tumko? amazing yaar, aise weather mein bahut maza aa raha hai na, garam garam aise kha ke literally. With the view, guys. I mean, seriously. ये देखो, ये देखो. The amount of Maggie I'm having today, ना इतना मैं साल भर में भी नहीं खाती हूँ, इतना मैं एक साथ खा रही हूँ. So क्या कर सकते हैं, guys? घर जाके exercise ज़्यादा करनी पड़ेगी. I mean, 7 days पूरे, हर दिन बहुत होगा. एंड मैगी खाने के बाद आई एम हैविंग किन्नौरी एप्पल ऑर्गेनिक. बच्चे इतने ठंडे हैं, बच्चे इतने ठंडे हैं, बच्चे इतने ठंडे हैं. इतने ज़्यादा ठंडे हैं कि जैसे हमने तो फ्रिज में फ्रीजर में रखे हो ना, वैसे कोल्ड है. But I can't get over to this view, which is beautiful. सबने खा लिया मैगी, चाय पी ली है, अभी सारे एप्पल खा रहे हैं. हम निकलेंगे. So hi all the viewers, greetings from Gaza on Wanderlust Himani's YouTube channel. So day 3 for the event, wheel spin, snow spin. So we gathered this reach from the Langsa and right now doing the river crossing near the riverbed in Gaza. So this is just to tell the viewers, to explain them about the expedition itself. So I'll start. Our organizer and the lead for the expedition here, Mr. Anurup Parma. Hi guys. He'll tell you regarding the expedition and the process and how do we guys roll while on it. Hi guys, greetings from Gaza. Today we have almost come to an end of our expedition. And we started, this is basically a 4x4 winter drive. This is basically for extreme enthusiasts who want to cover the snow covered areas. And we started from Shimla. Our flag off was from Radisson, Shimla. And first night was in Kalpa, second night was in Tabo. Third day sightseeing has been here in Gaza. And now we'll be heading back to Chang'o. So guys, we have more expeditions lined up for the year. If you are an adventure enthusiast and adventure freak, you can contact us for extreme overlanding expeditions. Our Instagram handle is Grey Ghost Expeditions. So you can follow us there and stay tuned. Cheers.